नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला कप्तान कौन बन सकता है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी रिसर्च करने के बाद बना रहा हूँ। अगर आपको जानना है कोलकाता का अगला कप्तान कौन बन सकता है तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो घंटी दिया है उसको ज़रूर से दबा दीजिए। दोस्तों सबसे पहले खिलाड़ी जिसके ऊपर कोलकाता की नज़रें रहने वाली है वो है गौतम गंभीर। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता की टीम ने गंभीर को रिटेन नहीं किया है, लेकिन क्या पता कोलकाता की टीम गंभीर पे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके गौतम गंभीर को ही वो अपना अगला कप्तान बना दे। अगर दोस्तों कोलकाता की टीम गंभीर पे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती है तो ऐसे में बाकी के बचे ऑप्शन है वो है ब्रेंडम मैकेलम। जी हाँ दोस्तों, ब्रेंडम मैकेलम भी T20 के बहुत ही घातक बल्लेबाज है और जो ब्रेंडम मैकेलम है वो अभी फिलहाल ब्रिस्बेन हीट के कप्तान भी है बिग बैश लीग के। अगर चेन्नई की टीम ब्रेंडम मैकेलम पे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती है तो कोलकाता की नज़रें ब्रेंडम मैकेलम के ऊपर रहने वाली है। दोस्तों उसके बाद जो नाम आता है वो है फैफ डुप्लेसिस का। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की टीम डुप्लेसिस के ऊपर भी आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर चेन्नई की टीम डुप्लेसिस पे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती है तो ऐसे में जो है कोलकाता की टीम डुप्लेसिस के ऊपर भी अपनी नज़रें बना के रखने वाली है। दोस्तों जो डुप्लेसिस है वो साउथ अफ्रीका टीम के बहुत ही बेहतरीन कप्तान है, T20 के अच्छे बैट्समैन है, अच्छे फील्डर है, अच्छे टीम मैन भी है, तो कोलकाता की टीम डुप्लेसिस के पर नजरें बना के रख सकती है। दोस्तों अगला नाम सामने आता है वो है केन विलियमसन का। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने केन विलियमसन को रिटेन नहीं किया है तो जो विलियमसन है वो न्यूजीलैंड टीम के कप्तान भी है और T20 के अच्छे बैट्समैन भी है, लेकिन दोस्तों जो केन विलियमसन है उसके ऊपर भी कोलकाता की नज़रें बना के रख सकती है, क्योंकि जो केन विलियमसन है बहुत अच्छे कप्तान है, हैदराबाद की टीम से खेल चुकी है पहले IPL भी, तो विलियमसन के ऊपर भी KKR की टीम अपनी नज़रें बना के रखने वाली है। लेकिन दोस्तों अब बात करें कोलकाता की पॉलिसीज की, तो 2011 से देखा जाए तो कोलकाता की टीम खास करके सभी इंडियन प्लेयर को ही अपना कप्तान बनाती है। दोस्तों अगर हम बात करें कोलकाता की टीम की तो कोलकाता की जो टीम है वो मोस्टली इंडियन खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर रहती है, जैसे कि गौतम गंभीर, मनीष पांडे, रॉबिन उथप्पा, सूर्य कुमार यादव। कोलकाता की जो सारी टीम है वो केवल भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर रहती है और दोस्तों ऐसे में ब्रेंडम मैकेलम, फैफ डुप्लेसिस और केन विलियमसन जैसे विदेशी खिलाड़ियों को कप्तान बनाना KKR के लिए थोड़ी सोचने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों के ऊपर KKR की नजरें रहने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन खिलाड़ियों की जो कि KKR का अगला कप्तान बन सकता है। सबसे पहला नाम आता है वो है शिखर धवन का। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने धवन को रिटेन नहीं किया है, धवन जो है वो ऑक्शन के अंदर चले गए हैं। अभी ऐसे में अगर हैदराबाद की टीम धवन के ऊपर RTM कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती है तो कोलकाता की जो टीम है वो शिखर धवन को कप्तान बनाने के लायक बिल्कुल है। दोस्तों 2014 में जो धवन थे वो हैदराबाद की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, भारत के बहुत अच्छे बैट्समैन है ओपनिंग, और दोस्तों ऐसे में जो कोलकाता की टीम है वो धवन को अपना अगला कप्तान बना सकती है। दोस्तों दूसरा प्लेयर जो है वो है रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की टीम ने भी अश्विन को रिटेन नहीं किया है और अश्विन के ऊपर चेन्नई की टीम RTM कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है, तो जो अश्विन है वो ऑक्शन के अंदर सभी टीमों के लिए मौजूद रहेंगे और क्या पता कोलकाता की टीम अश्विन को अपना नया अगला कप्तान बना दे, क्योंकि दोस्तों अश्विन है उसको भी बहुत ज़्यादा अनुभव है T20 का, IPL का और इंटरनेशनल मैचेस का, तो ऐसे में जो अश्विन है उसके ऊपर भी कोलकाता की नजरें रहने वाली है एज ए कैप्टन के रूप में। दोस्तों आखिरी नाम वो है अजिंक्य रहाणे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रहाणे को रिटेन नहीं किया है, अगर उसके ऊपर RTM कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती है तो कोलकाता की टीम एक बार सोच सकती है अजिंक्य रहाणे को अपना अगला नया। दोस्तों रहाणे को IPL का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लिमिटेड ओवर्स में रहाणे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और IPL खेलते खेलते जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया है, तो दोस्तों ऐसे में रहाणे के ऊपर भी कोलकाता की नज़रें रह सकती है एज नया कप्तान।
दोस्तों मेरे हिसाब से जो कोलकाता की टीम है वो किसी भारतीय खिलाड़ी को ही अपना अगला कप्तान बनाएगी, तो ऐसे में गौतम गंभीर, शिखर धवन, रविचंद्रन अश्विन और अजिंक्य रहाणे, ये चार में से कोई अगला कप्तान बन सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन बनेगा अगला कप्तान केकेआर का, अपने अपने विचार बताइए हमें कमेंट करके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट और IPL की खबरें सुनने में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू में घंटी दिया है उसको ज़रूर याद से दबाइए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।